इफादतुल योमिया की पांचवी जिल्द है। पांच जिल्दों में मैं बार बार कह रहा हूँ, पांचवी जिल्द इफादतुल योमिया की, और इसका मलफूज नंबर 108, सफा नंबर भी 108, मलफूज नंबर भी 108। इसमें थानवी साहब लिखते हैं, अपने बुजुर्ग का वाक्य सुना रहे हैं, कहते हैं कि रामपुर में हजरत मौलाना गंगोही ने, मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने, जो अशरफ अली थानवी साहब के उस्ताद भी थे, रामपुर में हजरत मौलाना गंगोही ने एक वाक़े में तलाक के मुताल्लिक कोई फतवा दिया। किसी औरत ने कुरान शरीफ का तर्जमा पढ़कर उसके खिलाफ ये फतवा दे दिया कि कुरान में ये लिखा है। किसी औरत ने उनको सवाल लिखा, कुरान में तो ये लिखा है और आपका फतवा कुरान के फतवे के खिलाफ है, तो होना क्या चाहिए था? अब आप बताइए क्या होना चाहिए था, उसको समझाते? अगर वो सही थी तो आप रुजू करते, और अगर उसने गलत समझा तो आप उसको समझाते। मगर आइए देवबंद के बुजुर्ग कैसे समझाते हैं। कहते हैं कि हकीम जियाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, रहमतुल्लाह अलैह भी है, हकीम जियाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने बयान किया, फरमाया वो क्या जाने मसला चड्डो कहीं की। ये लैंग्वेज है इनकी भाई, ये देवबंद की फसी उर्दू है, बलागत से भरी हुई। कहते हैं वो क्या जाने मसला चड्डो कहीं की, कह दो इससे अगर जबान राजी करेंगी तो नाक चोटी काट के रख दी। ये है देवबंद के बुजुर्ग, और ये है मुजद्दीद में आते हाजरा इनके।